इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे बंगाल विधानसभा में रेप बिल विरोधी बिल पेश किया गया है, अपराजिता महिला बाल विधेयक पेश किया गया है। रेप के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रस्ताव, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहाँ बंगाल विधानसभा में के विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश किया गया है। जिले में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एंटी रेप बिल विधानसभा में पारित हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश किया गया और राज्यपाल के साइन होने के बाद से बन जाएगा ये नया कानून। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अपराजिता महिला और बाल विधेयक बिल पेश हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रेप के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे बिल राज्यपाल के पास भेजा गया है, इसके बाद से उनके साइन करने पे नया कानून बन जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ममता सरकार ने एंटी रेप बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024 नाम दिया है। राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दिन विधानसभा का सत्र शुरू बुलाया था। कानून मंत्री मलय घटक ने इस विधानसभा में पेश किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था, जिसके एवज में ये बिल पास किया गया है। अपराजिता महिला बाल विधेयक बिल पास किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम दे रहे हैं, इसके बाद से देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वे राज्य में रेप जैसे अपराधों के लिए सख्त कानून बनाएंगी और उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए 2 बार चिट्ठी भी लिखी थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रेप विरोधी बिल पेश किया गया, अपराजिता महिला बाल विधेयक बिल भी पेश किया गया। अब राज्यपाल के साइन होने के बाद से यह नया कानून बन जाएगा। हालांकि आज बंगाल विधानसभा में एंटी रिप बिल पास हो गया है, लेकिन राज्यपाल अगर साइन कर देंगे तो ये नया कानून बन जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।